सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, यदि आप व्हाट्सएप चलाते हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, है ना। इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा और उस एप्लीकेशन से आप व्हाट्सएप पर 3-4 ट्रिक लगा सकते हो, जिसमें से एक ट्रिक मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सपोज कीजिए, मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप ओपन किया और ये मेरा कोई फ्रेंड था, इसने यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हो 3 मैसेज भेजे हैं। पहला है आई, बीच में इसने कुछ लिखा होगा वो डिलीट कर दिया उसने, है ना, और बाद में है यू। तो बीच में उसने क्या लिखा था, कहीं आई लव यू तो नहीं लिखा या फिर कुछ और लिखा, या आई हेट यू लिखा, तो बीच वाला इसने डिलीट कर दिया। तो आप इस मैसेज को देखने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाला आई है इसको थोड़ी देर दबाएंगे, जिस तरह से कॉपी करते हैं, दबाकर इसको होल्ड करके सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से जो सबसे ऊपर कॉपी वाला बटन रहता है, कॉपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और अब आप देख सकते हो जो मैसेज इसने डिलीट किया था बीच में आ गया लव, यानी कि मैसेज लिखा था आई लव यू, लेकिन जो उसके बीच का लव था वो इसने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने सिंपल ट्रिक लगाई, देख लीजिए ध्यान से, आई को कॉपी किया सेलेक्ट करके और ऊपर कॉपी वाला बटन को दबाया और यहाँ पर वो मैसेज आ गया, सारे मैसेज आ गए इसके जितने भी इसके थे, चाहे उसने कोई से डिलीट किए हो या नहीं किए हो, है ना। तो ये कैसे करेंगे इसके बारे में भी आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और लाइक करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे के बटन को जरूर दबाना, है ना दोस्तों। और ये अल्टीमेट ट्रिक है, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से ही काम नहीं चलेगा, इसकी कुछ सेटिंग है वो आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको 2-3 और जो ट्रिक है इस एप्लीकेशन के अंदर ही व्हाट्सएप को लेकर, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो ये वीडियो को ध्यान से समझना। यहाँ पर आप सर्च करेंगे chatbin, और सबसे ऊपर की एक एप्लीकेशन आएगी chatbin recover deleted chat, इसको आप ओपन जो है कर लेंगे। और इसको ओपन करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद फाइनली इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको पहली बार ओपन करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपको सेटिंग करनी है सबसे पहले, इसमें आपको क्या करना है, ऊपर की साइड 3 डॉट पर जाना है, और 3 डॉट पर जाकर यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग के ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, सबसे पहले सेटिंग है नोटिफिकेशन एक्सिस, इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे और अगले सेटिंग में यहाँ पर जाकर चैटबिन वाली सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देंगे, यानी कि नोटिफिकेशन एक्सेस को ऑन कर देंगे। इसके बाद ओवरले परमिशन है, ओवरले परमिशन सेटिंग में जाएंगे, इसको यहाँ से ऑन करेंगे। इसी तरह से तीसरी सेटिंग है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि जो ये एप्लीकेशन है ये आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करती रहे, तो उसके लिए भी यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसके बाद ये तीसरी सेटिंग है नोटिफाई मी, इसके बाद इस सेटिंग को ऑन कर देंगे यहाँ से, और इसके बाद आप बैक जाएंगे और ये एप्लीकेशन अपना काम स्टार्ट कर देगी। तो पहली ट्रिक तो वो है जो मैंने आपको बताया, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसके और एडवांस फीचर के बारे में जान लीजिए। सपोज कीजिए आपने ये एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, आपको किसके पास मैसेज भेजना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली मैसेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बिना उसका नंबर सेव किए डायरेक्टली आप उसके पास मैसेज जो है भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पहली ट्रिक ये है कि कॉन्टैक्ट को सेव करने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर डालकर डायरेक्टली किसी को भी व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी इसकी अल्टीमेट सेटिंग है, उसके बारे में ध्यान से देखना। ऊपर की साइड आप 3 डॉट पर जाएंगे, यहाँ पर करेंगे सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा आप नीचे की साइड, सेंड नोटिफिकेशन टू अनदर नंबर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर सेलेक्ट स्पेसिफिक नंबर, क्या होगा यदि आपके इस मोबाइल में कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, वो किसी भी एप्लीकेशन का हो, ओके, तो ये क्या करेगी एप्लीकेशन, जो आप यहाँ पर नंबर डालेंगे उस नंबर पर जो है उसको SMS बनाकर सेंड कर देगी, यानी कि मैसेज बनाकर सेंड कर देगी। इसका एग्जांपल आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, ये दूसरा फीचर है इसका। अब दोस्तों, इसका जो अल्टीमेट एक और फीचर है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट भी आप आ सकते हो, जो डिलीट किए गए मैसेज है उसको यहाँ से डायरेक्ट भी आकर आप देख सकते हो, और आप चाहते हो इस बंदे को यहीं से डायरेक्ट रिप्लाई करना तो आप डायरेक्ट यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हो, है ना, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होगा, आपको व्हाट्सएप ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यानी कि डायरेक्ट रिप्लाई भी मैसेज का कर सकते हो। और दोस्तों, यदि कोई मैसेज आपका डिलीट कर देता है बंदा, तो आपको क्या करना है, जो मैसेज डिलीट हुआ
उस मैसेज से ऊपर वाला आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके उसको कॉपी करना है, ठीक है। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे वो मैसेज सारे आ जाएंगे जो इस एप्लीकेशन ने सेव की है, वो डिलीट हो चुके हैं लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर सेव है, इस तरह से उसको दिखा देगा, है ना। तो ध्यान रखना है जो मैसेज डिलीट हुआ उससे ऊपर वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैसेज इस तरह से मैसेज आपको भेजेगी उस नंबर के, जो नंबर आप वहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आई एम बिजी जनरेटेड बाई ऐप, यानी कि उसको मैसेज बनाकर आपको सेंड करेगी ये एप्लीकेशन, है ना। तो दोस्तों बस आप इसको फाइनली यूज कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद, जो जो सेटिंग मैंने आपको बताया वो कर लेनी है। एप्लीकेशन का मैंने नाम आपको बता ही दिया है, प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर लेंगे चैटबिन, ठीक है, और चैटबिन एप्लीकेशन को डाउनलोड आप कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका मजा उठा सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके जाना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।